हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम हाइपरलिंक कैसे लगाएं। ठीक है, तो हाइपरलिंक एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसके द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट पीडीएफ या किसी भी वेबसाइट की लिंक को ऐड कर सकते हैं, जिससे कि उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली हम उस वेबसाइट पर पहुंच जाएं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक है आज का। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल पाए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिलेटेड हम काफ़ी वीडियो बना चुके हैं, उनकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन, इसके बाद यहाँ पर जो हाइपरलिंक का ऑप्शन है, इस ऑप्शन का हम अभी आपको यूज़ करके सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम किसी सेल पे क्लिक करेंगे, इसके बाद वापस हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आए, यहाँ पर हम स्क्रॉल करके अपने और भी फोल्डर को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगर देखना चाहें, कोई ढूंढना चाहें। ठीक है, इसके बाद देखिए ऊपर एक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम पर्टिकुलर किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, जिसमें हमारा डाटा जिसकी हम लिंक लगाना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हम लोगो नाम का है, इसके अंदर कोई हमारे लोगो है, उसके हम यहाँ पर लिंक लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चार लोगों, इसमें से हम पहले वाले लोगों का लिंक लगाना चाहते हैं, तो सिंपली इस पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद सिंपली हम ओके पे यहाँ पर क्लिक करें, तो लिंक हमारी यहाँ पर लग जाएगी। ठीक है, अब इस लिंक को ओपन करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पर जो हैंड का ऑप्शन है, इस पर हमें लाना और डबल क्लिक कर देना है, इसके बाद इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो लोगो है वो ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो इसके बाद सिंपली अब इसे यहाँ से कट करते हैं, जिसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को सीख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फिर से दूसरे सेल में क्लिक करेंगे, इसके बाद हाइपरलिंक पे हम जाएंगे सिंपली। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर यहाँ से भी हम कर सकते हैं, इसके बाद हम आपको यहाँ पर कोई वीडियो वगैरह आप करना चाहें तो वीडियो भी कर सकते हैं। मान लीजिए जय गुरुदेव के अंदर हम गए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखा हमने यहाँ पर जो HD बॉलीवुड सॉन्ग्स है, तो इस पर हमने सिंपली डबल क्लिक कर देना है। ठीक, तो डबल क्लिक कर देंगे तो हमारे अंदर से सॉन्ग आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किसी सॉन्ग को हम सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद ओके क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारी सॉन्ग्स की इसमें भी हाइपरलिंक अप्लाई होगा। सिंपली इसे ओपन करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करना है, इसके बाद इस पर क्लिक कर देना है। ठीक, एक बार और ओके पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमारी वीडियो यहाँ पर प्ले हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसे सिंपली यहाँ पर कट करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को हम यहाँ पर सीख लेते हैं। ठीक है, फिर से नेक्स्ट सेल में क्लिक करें, इसके बाद आप यहाँ पर चाहें तो आप इस प्रकार से यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी डेटा को इसके बाद स्क्रॉल करके भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोसेस सबका सेम ही है, बट आप कैसे भी करें कोई दिक्कत होने वाली नहीं। ठीक, इस बार हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ पर देखिए हमारी कोई वेबसाइट है, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए PDF है, एक PDF का हम यहाँ पर ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, तो जिस PDF को हम सेलेक्ट करें, जितने भी अंदर से जाएँ तो डायरेक्ट हमारी PDF खुल जाएगी, वैसे हम अंदर से बाद में हमें क्लिक करना होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लिंक हो गई हमारी, इसके बाद इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें तो हमारी वो PDF ओपन हो जाएगी। ठीक, इस PDF में कुछ खास नहीं, केवल हमारा नाम ही पड़ा हुआ मिलेगा आपको, देखिए इस प्रकार से। ठीक, केवल मेरा नाम ही है इस PDF में, कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसे यहाँ पर कट करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन को सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम एक नेक्स्ट ऑप्शन को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर जिस दूसरे नंबर का, ठीक, ब्राउजर का, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसको सीखने के लिए आपके सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट होना आवश्यक है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने इंटरनेट को कनेक्ट कर लेना है अपने सिस्टम से। ठीक है, तो चलिए हम कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसका यूज हम आपको सिखा देते हैं। ठीक है, तो देखिए सिस्टम हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे हाइपरलिंक पर। ठीक, अब इसके बाद सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ समय वेटिंग होगा, प्रोसेस चलेगी। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर इसका जो ऊपर की साइड एड्रेस आ रहा है, ठीक है, इस एड्रेस को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, सिंपली सिलेक्ट करने के बाद हम सी से प्रेस करेंगे, कंट्रोल सी कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ या ऐसे आप कर सकते हैं, कंट्रोल सी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमने इसे कॉपी कर लिया, इसके बाद इसे यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से इसे भी, अब जो एड्रेस लिखा है यहाँ पर हम कंट्रोल बी कर देंगे, यानी कि यहाँ पर अपना पेस्ट कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारी हाइपरलिंक ऐड हो गई, सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली उसी पेज पे हम पहुँच जाएंगे। ठीक, हमें ज़्यादा कुछ करना होगा नहीं। ठीक है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर आ जाएंगे, पेज हमारा ओपन होने लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से भी हम किसी की भी लिंक ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक, इसे सिंपली यहाँ से हम कट करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन का भी सीख लेते हैं, उसके लिए इन सभी को हम यहाँ से कट कर दें तो हमारा अच्छा रहेगा। ठीक है, हमें माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना, सिंपली ओके पर क्लिक कर देना। ठीक है, अब इसके बाद इसका नेक्स्ट यूज सीखें, तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं माय यूट्यूब चैनल, अब सिंपली हमें इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद हाइपरलिंक से जाएंगे, इसके बाद सिंपली यहाँ पर देखिए यहाँ पर एड्रेस इसका पेस्ट करेंगे। ठीक, तो इसके लिए हमें यहाँ से इसे हटाना है, यहाँ से इसे कट करेंगे। इसके बाद हम अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद इसमें हम यहाँ पर गूगल पे जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि हम अपने YouTube की लिंक यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो गूगल पे जाएंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे TTC गाइड, ठीक है, जैसा कि मेरे चैनल का नाम है। ठीक, सिंपली ओके पे क्लिक कर देंगे, इंटरफेस कर देंगे, पहले ही यहाँ पर लिंक पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक, डबल क्लिक कर देंगे। इसके बाद इसका एक URL जनरेट हो जाएगा जो कि ऊपर की साइड आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, तो कुछ प्रोसेस होने के बाद सिंपली अभी इसे भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जैसा कि हमने पिछले किया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब इस सभी को यहाँ से बिल्कुल कट कर देंगे। ठीक, अब जो हमारे यहाँ पर एंड हो चुका। ठीक, इसके बाद एक्सेल शीट में आएंगे, अब सिंपली हम हाइपरलिंक पे जाएंगे, अब एड्रेस की जगह पे इसे कंट्रोल भी कर देंगे। ठीक है, इसके बाद सिंपली ओके पे हम क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर हाइपरलिंक हमारी अप्लाई हो चुकी है। सिंपली यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हम अपने यूट्यूब के चैनल पर पहुँच जाएंगे। ठीक, क्योंकि उसकी लिंक हमने यहाँ पर ऐड की हुई है। ठीक है, तो देखिए कुछ समय देखिए प्रोसेस चलेगी, क्योंकि नेटवर्किंग अभी यहाँ पर अच्छा नेटवर्क नहीं मिल रहा है, इसी वजह से कुछ प्रोसेस स्लो चल रही है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा यूट्यूब है जो ओपन हो चुका है डायरेक्टली। ठीक है, एक्सेस एड से ही हमने इसे मान लीजिए ओपन कर लिया, क्योंकि उसकी उसमें हमने इसकी लिंक अप्लाई की हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम डोंट क्लोज कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके बाद मिनिमाइज। अब यहाँ पर देखिए हम आपको यहाँ पर एक लिंक वो दिखाते हैं आपको, यहाँ पर देखिए एक हमारी PDF है। ठीक है, इस वीडियो को ओपन करके हम दिखाएंगे आपको, अभी हम इस बिल्कुल ओपन करके आपको दिखा दें, फिर इसकी लिंक हम आपको लगा के दिखाएंगे अपनी एक्सेल शीट में। ठीक है, क्योंकि MS Word की जो फाइल है हमारी, इस फाइल का हम PDF इसका लिंक लगाएंगे MS Excel में। ठीक है, तो चलिए इसे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, एक्सेल शीट को अपने ओपन करते हैं, इसके बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं IMIS। ठीक है, IMIS लिखने के बाद सिंपली इस पर क्लिक करें, इसके बाद हाइपर लिंक पर हम जाएँगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करके अपना सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी फोल्डर में, तो हमारा फोल्डर था इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद IMIS पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, सिंपली ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी लिंक तो अप्लाई हो चुकी है, बट जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हम डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच जाएंगे, बट हमारी जो खुली नहीं है क्योंकि हमने डायरेक्ट इसे ओपन नहीं किया था, अब हमें यहाँ पर खोलना पड़ रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इस बार हम ऐसे करेंगे, इसमें लिंक लगाएं कि ये डायरेक्टली ऑटोमेटिक ही ओपन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली किसी सेल में सेलेक्ट करेंगे, हाइपर लिंक पर जाएंगे, अपने फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे जिस भी जगह पे हमारा वो फोल्डर है। ठीक है, तो यहाँ से हम कर लेंगे फोल्डर को अपने सिलेक्ट, तो जिस पी सी में यहाँ पर देखिए ये रहा हमारा फोल्डर। ठीक, इसके बाद IMIS पे जाएंगे, एक बार फिर से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक, जैसे हम फिर से क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगी, ओके पर भी हमें क्लिक नहीं करना होगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमारी जो PDF है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, देखिए इस प्रकार से। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और हमारे द्वारा बनाई हुई सभी वीडियो आपको पसंद आती होंगी। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत हो वीडियो में समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, उसका भी समाधान बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।